नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फिल्मी पर्दे की बात आती है और मध्य प्रदेश की जब बात आती है तो एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो पर्दे पर जितने खूंखार विलेन के रोल में दिखते हैं उतने सहज और सरल है और उतने ही लोकप्रिय भी है। आशुतोष राणा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हम बात कर रहे थे अभी आपकी बहुत सारी वैरायटीज की। जब आशुतोष राणा का नाम सामने आता है तो बहुत सारी वैरायटीज निकल कर आती है, आध्यात्म साहित्य बहुत सारी, किताबों की भी चर्चा है। अभिनय से साहित्य का रुझान कैसे शुरू हुआ? देखिए, अभिनय जो है वो समष्टि को, संसार को स्वयं बना के प्रस्तुत करने की एक विधा है और साहित्य जो है, लेखन जो है, वो स्वयं को संसार बना के प्रस्तुत करने की विधा है। तो एक स्वा से संसार की यात्रा है और दूसरी संसार से स्वा की यात्रा है। और मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो आप हो, मैं हो या संसार में कोई भी हो, कला उसकी प्रकृति होती है, कला उसका स्वभाव होता है। कुछ लोग होते हैं जो कला को जीविका के लिए उसका उपयोग करते हैं तो कलाजीवी कहलाते हैं, कलाकार कहलाते हैं। लेकिन देखा जाए तो कलाकार इस संसार में सारे के सारे लोग हैं, क्योंकि कलाकार का मतलब ही होता है जो निराकार को साकार करे वो कलाकार। कि चाहे अब जैसे जितने भाव हैं, भाव निराकार होते हैं लेकिन हम भाषा या भंगिमा के माध्यम से उन भावों को साकार प्रस्तुत करते हैं और लोगों को अनुभूत करवाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि साहित्य हो या अभिनय हो, एक में आपको लिखना है, विचारना है और दूसरे में आपको करना है। तो कर्म और कथन की जो एक जुगलबंदी होती है वो साहित्य और कलाकार की जुगलबंदी है, अभिनेता की जुगलबंदी है। आपका नाम भगवान शिव का नाम भी है जी। कुछ कहानियां सुनी हमने कि नाम के पीछे भी आपने खुद अपना नाम रखा, क्या कहानी है? कहानी सिर्फ इतनी ही है कि जब हमारे घर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण की प्रतिदिन पूजा होती थी और मैं छोटा था, तकरीबन 3.5 बरस की हमारी उम्र होगी, तो उस दौरान जब एक दिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण अपनी रुद्राभिषेक हो रहा था तो हमारे गाडरवारा, जो हमारा गांव है, हमारा जन्म स्थान है, तो वहां पर मैं अपनी माताजी और पिताजी के साथ बैठा हुआ था, माताजी की गोद में था। तो जब श्रद्धेय पंडित जी ने ओम आशुतोषाय नमः करके हमसे वो करवाए तो मुझे अचानक ये लगा कि इसका मतलब क्या होता है। और हमारे यहाँ बच्चों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता थी, तो भले ही 3.5 बरस की उम्र हो लेकिन बच्चे जितने छोटे होते हैं उनकी जिज्ञासाएं को हम बड़े लोग अक्सर बहुत छोटी मान के टाल देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये था कि छोटा बच्चा है तो उसकी छोटी जिज्ञासा उसके लिए बहुत बड़ी जिज्ञासा है। तो उसका समाधान किया गया और बताया गया कि ये देवाधिदेव महादेव शिव का एक नाम है। तो हमने पूछा कि नाम तो है लेकिन इसका अर्थ क्या है? तो जब ये बताया गया कि आशुतोष का मतलब होता है थोड़े में संतोष करने वाला या शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला, तो मुझे लगा कि व्यक्ति की अंदर, आज जब मैं सोचता हूँ, मैंने कहा कि भाई मुझे ये नाम पसंद आ गया और आज से मेरा नाम आशुतोष होगा। जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं आशुतोष राणा के, अभिनय, साहित्य, आध्यात्म, व्यक्तिगत जीवन की बात हम करते हैं जी। रेणुका जी और आशुतोष राणा की जोड़ी एक आदर्श जोड़ी के तौर पर देखी जाती है जी। कैसे सिलसिला शुरू हुआ? रेणुका जी घर घर के, आपने देखा होगा घर घर में भाभी जी के बराबर का सम्मान उन्होंने प्राप्त किया है जी। तो कैसे सिलसिला शुरू हुआ? इस जगत में सबसे ज्यादा कठिन होता है प्रेम, तो हमको आपको सबको मिल जाता है लेकिन सम्मान और विश्वास, ये दो चीजें कमाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे आपके सबके पूरे जीवन निकल जाते हैं। तो ये परम सौभाग्य है और परम सौभाग्यशाली हैं हम और रेणुका जी के, दोनों के जीवन में प्रेम तो मिलता ही है, परिचितों से, अपरिचितों से, सुपरिचितों से, बंधु बांधुओं से, परिजनों से और अरिजनों से, सबसे। लेकिन उसके साथ साथ हमें सम्मान और विश्वास भी मिलता है। तो रेणुका जी हमारी मित्र थी और जब हम मुंबई में काम कर रहे थे और फिल्में कर रहे थे तो उस दौरान मित्र थी। तो परम पूज्य दद्दा जी जो मेरे जीवन के मार्ग भी हैं, मार्गी भी हैं और मंजिल भी हैं।
तो दद्दा आए और दद्दा ने तय किया कि बेटा ये जो तुम्हारा बंधुत्व है रेणुका का और तुम्हारा, इस बंधुत्व को अब कहीं ना कहीं और सघन होना है और तुम दोनों को परिणय सूत्र में बन जाना चाहिए क्योंकि तुम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो। तो हमने फिर रेणुका जी से प्रार्थना की, निवेदन किया कि क्या हमारी ये जो मित्रता है, क्या ये मित्रता कायम रहते हुए हम एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में भी रह सकते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि उनके जैसी संभली हुई, उनके जैसी गंभीर, उनके जैसी संवेदनशील और उनके जैसी विवेकवान, प्रज्ञावान स्त्री ने मुझे अपने जीवन में वो स्थान दिया कि पति के रूप में हमको स्वीकार कर लिया। तो रेणुका जी मेरी मित्र भी हैं, मेरी सहगामिनी भी हैं, मेरी अग्रगामी भी हैं और मेरी अनुगामी भी हैं। और यही चीज़ हमारे साथ भी है कि मैं उनका मित्र भी हूँ, कभी मैं उनका सहगामी होता हूँ, कभी अग्रगामी होता हूँ और कभी अनुगामी होता हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम की सफलता के लिए जो रेणुका जी के साथ जुड़ते हुए मुझे लगा कि समझ आई कि प्रेम अगर है तो प्रेम के अंदर आपके अंदर स्वामी होने की भी क्षमता होनी चाहिए और आपके अंदर दासत्व की भी भावना होनी चाहिए। आप दास होने की भी क्षमता आपके अंदर, हुनर आपके अंदर होना चाहिए। कभी आप दास होते हैं अपने प्रेमी के, तो कभी आप अपने प्रेमी के स्वामी होते हैं। तो वो वाली स्थिति पति पत्नी के जीवन में, क्योंकि विवाह जो होता है वो बदलाव का विषय नहीं होता। मैरिज जो है, इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ चेंज, इट्स ए मैटर ऑफ एक्सचेंज। ये बदलाव का विषय नहीं होता, ये बढ़ाव का विषय होता है, ये परिवर्तन का होता है। समाहित करना चाहते तो समाहित होने के भाव भी आपके होने चाहिए। एक बात आपने भी कही कि रेणुका जी आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। वैसे भी आशुतोष राणा को अपने दोस्तों के लिए जाना जाता है जी। दोस्त कितनी अहमियत जिंदगी में रखते हैं किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में? क्योंकि कई ऐसे किस्से हम सुनते हैं कि काश उस आदमी के पास कोई एक दोस्त होता सुनने वाला, तो उसकी जिंदगी कुछ और हो सकती। ये बड़ी अच्छी बात आपने सुधीर कही। मेरा ये मानना है कि हम तो अपने लिए बड़ा वफादार दोस्त चाहते हैं, लेकिन क्या हम किसी के वफादार दोस्त हैं जी? अगर हम उस दिशा में प्रयास करें, हम अपने लिए बड़ा विश्वसनीय मित्र चाहते हैं, लेकिन क्या हम किसी के लिए विश्वसनीय मित्र हैं? हमने तो हमारे लिए ईमानदार मित्र की अपेक्षा की है, लेकिन क्या हम किसी के लिए ईमानदारी का प्रतिमान है? तो मेरी प्रक्रिया ये होती है कि मुझे विश्वसनीय मित्र बनना है, मुझे ईमानदार मित्र बनना है, मुझे वफादार मित्र बनना है। अब वो मेरे हिस्से में आए या ना आए, लेकिन मैं एक मित्र के रूप पर, क्योंकि दोस्त का मतलब ही होता है कि जहां पर दो हस्तियां जो हैं वो समाप्त हो जाए। तो ये समाप्ति की प्रक्रिया है, ये प्राप्ति का इसमें कोई वो नहीं होता है। तो अगर आप समाप्ति की दिशा में बढ़ रहे हैं तो उसके बाद जो प्राप्ति आपको होती है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आनंद का संचार करती है। और इसी कारण मेरे पास अपार मित्र संपदा है और मैं मित्रों के लिए, और मैं बड़ा अपने आप को गौरवान्वित और आनंदित महसूस करता हूँ कि मेरे मित्र मुझे विश्वास करते हैं, मेरे मित्र मुझे ईमानदार मानते हैं, या मेरे मित्र मेरे, तो इसी कारण मुझे भी बड़े ईमानदार, समर्पित, वफादार और मेरे लिए सदैव तत्पर रहने वाले। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे दुख और छोटे छोटे सुख में जो आपके साथ सतत रहे, बड़े दुख या बड़े सुख में तो आपके साथ परिजन ही नहीं, मित्रजन ही नहीं, अरिजन भी रहते हैं जी। कि अगर किसी का बड़ा लाभ हो जाए या किसी का बड़ा नुकसान हो जाए तो सांत्वना देने के लिए जो व्यक्ति आपके भाव क्षेत्र में नहीं आता वो भी आपके घर पे आके आपको सांत्वना देके चला जाता है। लेकिन हमारे जीवन के छोटे छोटे सुख और छोटे छोटे दुख में जो व्यक्ति सदैव और सतत आपके साथ खड़ा रहे तो वो आपके मित्र क्षेत्र में आता है। और मेरा ये मानना है कि मैं भी अपने मित्रों पे छोटे छोटे सुख छोटे छोटे दुख में खड़ा रहता हूँ। और दूसरी बात, मैं कभी अपेक्षा के भाव से नहीं भरा रहता, मैं अपने अंदर कोई ग्रंथि पाल के नहीं रखता। अगर मुझे कोई चीज़ नागवार गुजरती है, मेरा अपना ये मानना है कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं, आप रियलिस्टिक रहें कि अगर आपको कोई चीज़ नागवार गुजरी है तो उस चीज़ को अगर आप अपने मित्र से साझा नहीं कर सकते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपकी मित्रता के उस भाव में या रिश्ते में कोई एक ऐसा विरोध है या अवरोध है। तो अगर नागवार गुजरी है तो वो भी आप व्यक्त करिए,
और अगर आपको उसकी कोई बात बहुत आनंद देने वाली है तो उस आनंद को भी उस तक पहुंचाइए कि तुम्हारी इस बात ने मुझे परमानंदित कर दिया है। अपेक्षा रखना भी एक तरह का दुख का वजह है जी, क्योंकि अपेक्षा की एक बहन है जिसका नाम है उपेक्षा जी। तो जब आप वो जुड़वा बहन है, तो जब आप अपेक्षा को स्वीकार करते हैं तो उसके साथ उसकी छोटी बहन उपेक्षा अपने आप चली जाती है। उपेक्षा के भाव से ग्रसित हैं तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपके अंदर अपेक्षा का भाव जीवित है। आशुतोष राणा की जिंदगी में दुश्मन का किरदार बहुत बड़ा रहा है। बहुत बड़ा रहा है कि लोगों को जो कुछ भी मिलता है दोस्तों से मिलता है, मुझे जो कुछ भी मिला दुश्मन से मिला। हमारी पहली फिल्म का नाम ही दुश्मन है, तो जिस आशुतोष को आज इंटरव्यू करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि जिसके साक्षात्कार लिए जा रहे हैं, उस एक अपरिचित और एक शेष आशुतोष को जो आज एक विशेष रुतबा मिला है परम पूज गुरुदेव दद्दा जी की कृपा से, तो वो मेरी फिल्म दुश्मन के कारण मिला है। तो मैं इसको उपमा उपमेय अलंकार में यही कहता हूं। और आप देखें जीवन में भी आजमा के देखिए आप कि अगर आपके कद का अंदाजा आपके दोस्तों को देखकर नहीं लगाया जाता, आपके कद का अंदाजा आपके दुश्मनों को देखकर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा दुश्मन उतने बड़े आप जी। तो इसलिए कभी भी दोस्ती भले ही जिससे करना हो कर लेना, लेकिन दुश्मनी के लिए बहुत सतर्क और सनद्ध रहना। दुश्मनी जब भी करें तो अपने से किसी बड़े रुतबेदार व्यक्ति के साथ करें, क्योंकि वो दुश्मन वो रुतबेदार व्यक्ति आपको खींचकर अपने समकक्ष खड़ा कर लेगा। तो वो दुश्मनी आपको मिटाने का नहीं, आपको बढ़ाने का काम करती है। लेकिन तब जब आपकी अमित्रता, आपकी दुश्मनी अपने से बड़े व्यक्ति से हो, और बड़े व्यक्ति चाहे मित्र के रूप में हो और चाहे शत्रु के रूप में हो, वो व्यक्ति को एलिवेट ही करते हैं, उठाते ही। राम राज्य को लेकर भी कुछ नई योजना है क्या? किस तरह का साहित्य का रुझान है और किस तरह साहित्य आपको जोड़ता है? अभी शीघ्र ही मेरी एक कहानियों की किताब आएगी जिसका नाम है आशुतोष नीति जीवन की रीति। फिर एक व्यंग संग्रह भी आएगा। फिर एक कहानियों की किताब आएगी हमारी जिसमें पौराणिक कथानकों की कहानियां हैं, तो उसके ऊपर आएगी। और फिर दो उपन्यास के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, एक का नाम है राजाभिषेक और एक का नाम है वासुदेव कृष्ण। तो इन दो उपन्यासों के ऊपर काम मैं कर रहा हूँ, वो भी आपको शीघ्र ही आपके पाठकों के हाथ में होंगे। एक कलाकार देख लिया, एक साहित्यकार देख लिया, आध्यात्म की ओर झुकाओ, धर्म की ओर झुकाओ, और उनकी सबकी अपनी अपनी व्याख्या जी। एक शब्द इन दिनों, मतलब ये सवाल राजनीतिक नहीं है, धार्मिक भी नहीं है, व्यावहारिक सवाल है। आप सुन रहे होंगे इन दिनों की सब जगह हिंदू राष्ट्र की गूंज आ रही है किसी तरीके से। होता क्या है शायद नहीं लोग जानते हैं, लेकिन दो शब्द है, एक हिंदू राष्ट्र, एक राम राज्य। क्या अंतर पाते हैं आपको आप उसमें, और क्या जरूरी आपको लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो देश को और दुनिया को और मानवता को ऊंचाई पर ले जा सकती है? देखिए, अगर आप परमात्मा श्री राम का जीवन चरित्र देखेंगे तो परमात्मा श्री राम के जीवन चरित्र में यह है कि वो तो शबरी जो अंत्येष्टि थी उनके घर भी चले गए, उनके जूठे बेर भी खा लिए। वो निषाद राज जो पृथक रहते थे उनको भी गले से लगा लिया। जो केवट वो उनके पास भी चले गए। उनके एक गुरु विश्वामित्र जी थे जो ब्राह्मण थे, और उनके दूसरे गुरु विश्वामित्र जी थे जो क्षत्रिय थे, और दूसरे गुरु वशिष्ठ जो ब्राह्मण थे। तो एक तरफ उन्होंने वशिष्ठ जी से भी शिक्षा ली है, और दूसरी तरफ उन्होंने वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की एक दूसरे के प्रति बनती नहीं थी, ऐसा पुराणों में मिलता है, तो उनसे भी शिक्षा ली। तो जो निरंतर परस्पर विसंगतियों को भी साधने की क्षमता वाले होते हैं वो परमात्मा श्री राम होते हैं। और अगर वैसी अगर चेतना हमारे आपके जीवन में आ जाए तो हमको लगता है कि परमात्मा श्री राम की जो घोषणा हुई है, जो उन्होंने घोषणा की है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, और सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें सदा सज्जन श्रुत नीति वाली जो बात हम कर रहे हैं कि सब परस्पर प्रीति के साथ
तो फिर वो घोषणा चरितार्थ हो जाएगी कि हमारे और आपके अंदर दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों से हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आवश्यकता है कि हम राम को तो मानते हैं, लेकिन अब आवश्यकता है राम की मानने की। हमने परमात्मा श्री राम के चरण तो पूजे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अब आचरण को भी धारण हमें करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिर जो उन्होंने घोषणा की है, परमात्मा जो घोषणा करते हैं वो व्यर्थ में घोषणा नहीं करते, तो वो घोषणा तो सार्थक होती है। कुछ ऐसी चीजें होती है, वरदान आप बोल सकते हैं, वो कई तरह के ईश्वर मानव को देता है, लेकिन आशुतोष राणा जी को इस तरह के कई वरदान मिले हैं। उसमें है सबसे अच्छा जो हम लोग मानते हैं, आपके जो प्रशंसक मानते हैं, वो है वाणी का वरदान। जी, आशुतोष राणा जी की वाणी सुनने के लिए कई लोग आतुर होते हैं। जी, और निश्चित तौर पर नेटवर्क के टीम के दर्शक भी आतुर होंगे एक ऐसी चीज सुनने के लिए। रश्मि रति, हम चाहेंगे कुछ थोड़ा आप उसमें इसका सुना देता हूँ मैं आपको। कृष्ण की चेतावनी का जो पहला हिस्सा है कि मतलब जब वो तमाम संघर्षों की दास्तान जो कही गई है उसमें यही है कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, श्रमहेक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, संकट का चरण में कहते हैं और मुख से कभी न उफ कहते हैं। तो ये वाली जो बात उन्होंने कही है के खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड झड़ती रस की धारा अखंड, और मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार, और जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो इसमें श्रद्धेय रामधारी सिंह जी दिनकर ने बड़ी अद्भुत विपत्तियों की या संघर्षों की, अक्सर विपत्तियों को हम अपने शरण का कारण मानते हैं, लेकिन उन्होंने इस पूरे दृष्टांत के माध्यम से बताया कि विपत्तियां आपके शरण की नहीं, आपके सृजन की कारक भी हो सकते हैं। वो आपको मिटाने के लिए नहीं, वो आपको बनाने के लिए भी आते हैं। तो अगर आप मिटने तैयार हैं तो परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं आपके साथ उस महासमर में आके खड़े हो जाएंगे, और वह जो जगत का दाता है वो आपके लिए दूत कार्य करने भी तैयार हो जाएगा, और वो पहुंच जाएंगे कौरवों की सभा में आपके लिए प्रीति मांगने के लिए। तो ये उसमें उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है और मेरे हृदय के काफी करीब है ये रचना। तो ये है अभिनेता आशुतोष राणा जी। इनका साहित्यिक स्वरूप, धार्मिक स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप भी हमने देखा, और रश्मि रति का जो अद्भुत वर्णन है वो अगर इनकी जुबान से जब सुनते हैं तो हम एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश। बहुत बहुत शुक्रिया।